आप सबका इस ऑनलाइन मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी आज की इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं और जो लोग आएंगे उन सबको हमारे क्षेत्रीय केंद्र के बिहाव से और मैं डॉक्टर शालिनी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर पटना आप सबका इस ऑनलाइन मीटिंग में एक खास ऑब्जेक्टिव के तहत आज मिल रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपको जैसा आप में दिख रहा होगा, आपको हमारे इसमें बैनर में लिखा है रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन स्किल डेवलपमेंट, यानी स्किल डेवलपमेंट पर बेस्ड हमारे कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको पढ़ने से आपके जॉब की दृष्टि से वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये मीटिंग के टाइटल के साथ ही हम लोग अब इस मीटिंग को फॉर्मली शुरू करते हैं ताकि इस आधे घंटे 45 मिनट की मीटिंग में जो भी कुछ आप आज जानकारी मान से प्राप्त करेंगे वो आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा उपयोगी हो। आप सभी स्टूडेंट हैं, सबने कभी 10th पास किया है, 12th पास किया है, हो सकता है ग्रेजुएट भी हो। इन सब के साथ कि वो कौन से सब्जेक्ट से हैं, कौन से डिसिप्लिन से हैं, ये मैटर नहीं करता है। हर किसी को एक जो एजुकेशन का सबसे अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कि एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए शुरू से ही ये दिमाग में रखने की जरूरत होती है कि हम क्या पढ़ें और किस पढ़ाई के साथ में और एड ऑन क्या कर सकते हैं और क्या एक्टिविटी ऐसी करें जो हमको बहुत जल्दी से जल्दी ये जो मार्केटिंग है या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने के लिए पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा एड ऑन प्रोग्राम हम करके रखें जो आपको फ्यूचर में काम दे। तो आज के इस मीटिंग में हम लोग इग्नू में तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम हैं और इग्नू है क्या और उनको करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कौन सी फील्ड के लिए कौन सा ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ उपलब्ध है, इन सब बातों की जानकारी हम लोग इस मीटिंग में करेंगे। और मीटिंग के अंत में आप चाहें तो मुझसे थोड़े सी सवाल, जैसे आपको अगर इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी कुछ जानना होगा तो 5 मिनट का टाइम हम लोग आपके साथ बातचीत के दौरान वो भी पूरी कर लेंगे। पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसमें हम आपको इग्नू के बारे में, इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, फिर वो सारे स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम जो है उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट में बस मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर लेती हूँ, फिर आपके साथ वो चर्चा करती हूँ। अगर स्क्रीन मेरा क्लियर है तो विनोद जी या अविनाश जी बोलेंगे। हाँ हाँ सबसे पहले आपको इग्नू के बारे में जानना होगा, इग्नू है क्या जिस यूनिवर्सिटी के तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय केंद्र पटना यहाँ पे अवस्थित है, या फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वो इग्नू के नाम से बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप सबको इग्नू बहुत कॉमनली कहीं भी आपको स्टडी मटेरियल ये सबके ऊपर में लिखा हुआ दिखाई देता है, पर ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश्ड हुई आपको जैसा दिख रहा है मेरे स्लाइड में, 1985 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे आम जितने भी हमारी रेगुलर यूनिवर्सिटीज है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उनको प्राप्त होता है क्योंकि वो संसद के अधिनियम के अंतर्गत वो पारित होके बनता है। तो ठीक उसी तरीके से ये ओपन यूनिवर्सिटी है, एक लौटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको ये दिख रहा होगा कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसको अक्रॉस द कंट्री उसके ब्रांचेज होते हैं, उनके नेटवर्क होते हैं। इस तरीके से ये डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जो है मोड ऑफ एजुकेशन, जैसे आप लोग रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन अभी तक देख चुके होंगे, अगर किसी ने इग्नू से कोई प्रोग्राम किया होगा तो उसको पता भी होगा कि ये डिस्टेंस जो माध्यम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये एक दूसरा माध्यम है जिसमें आप पढ़ाई करके आप उन सारी एक्टिविटीज को करते हैं जो आप रेगुलर में भी करते हैं और उसके अतिरिक्त आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी दी जाती हैं जो रेगुलर मोड से भी कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। इस तरीके से ये प्रमोटर है, डिस्टेंस लर्निंग का प्रमोटर है, और कोई भी ऐसी संस्था स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी खुलती है या फिर छोटी मोटी डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करना चाहता है उसको ये
इग्नू प्रमोट करती है उसको स्टडी मटेरियल के थ्रू या फिर अपने वो टेक्निक्स बताती है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और ये इग्नू जो है ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका नेटवर्क है, छोटे छोटे जितने भी कंट्री है 15-16 ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारा स्टडी सेंटर है, वहाँ के स्टूडेंट या तो यहाँ आके पढ़ते हैं इंडिया में या फिर उनके स्टडी का जो सपोर्ट सर्विसेज है वो उनके कंट्री में भी इग्नू प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही वो सारे प्रोग्राम जो किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो नहीं सकती है उतने सारे प्रोग्राम जिसको आप कॉमनली कोर्सेज कहते हैं, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम से लेके और पीएचडी जैसे कार्यक्रम तक यहाँ इग्नू में उपलब्ध होती है। अब सिर्फ दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इग्नू में कौन कौन से प्रोग्राम है, या फिर अगर कुछ जानते भी हैं बीए ग्रेजुएशन जानते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये सब के बारे में जानते भी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उपयुक्त होगा, उनके फ्यूचर के लिए कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और उनके जॉब में काम आ सके। वो ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स है उसको निकालना, छाट के निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं जहाँ पे आप सबको ये बताया जाता है कि हमारा एडमिशन साइकिल क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रही है और कौन सी आपके लिए सही प्रोग्राम रहेंगे। अभी जितने भी प्रोग्राम हमने बताए हैं वो तो बहुत वास्ट नंबर है, लेकिन उसको अगर क्लासिफाई कर दें तो एक छोटा प्रोग्राम है और एक बड़ा है, यानी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो थोड़े कम समय में होता है और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिसमें 2 से 3 साल या 3 साल से ज्यादा जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि 3 साल के प्रोग्राम को आप 6 साल तक करते रहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 मंथ का होता है, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा हमारे 1 साल के ऐसे कार्यक्रम हैं जो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जैसे आप सब जानते होंगे कि जो भी 10+2 किया रहता है उसको अंडर ग्रेजुएशन की जो एडमिशन है उसमें वो एलिजिबल होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीए की डिग्री होना अनिवार्य होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हमारे ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसको सिर्फ 10th पास होना अगर कोई होगा स्टूडेंट तो भी वो सर्टिफिकेट कर सकता है। ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम है जो 10+2 के बाद ऑफर होते हैं, पर बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं सभी स्टूडेंट के लिए जो 10th के बाद भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। तो आपने देखा 3 तरह के ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जो स्किल बेस्ड है, यानी उसमें आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप अपने नॉलेज के साथ उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट में वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है। अब कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि मुझे इग्नू में ही क्यों पढ़ना चाहिए, आपको वो सारी सुविधाओं के बारे में पता नहीं होता है कि आप इग्नू में पढ़ते हुए क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, सारे प्रोग्राम्स जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के लिए उपयुक्त हैं और उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, पर इग्नू में और क्या ऐसे सपोर्ट सर्विसेज दिए जाते हैं, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो अदर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय पे एडमिशन होना और समय पे उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के रिजल्ट आपके हाथों में देना, ये इग्नू का सबसे बड़ा जो एक फायदा है इग्नू में पढ़ने वालों के लिए वो है, क्योंकि हमारे एडमिशन साइकिल भी साल में 2 बार होते हैं, जबकि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो उसका मार्च से लेकर जुलाई तक के बीच में एडमिशन साइकिल होता है जिसको एक सेशन में ही वो एडमिशन को फाइनल कर लेते हैं। पर जनवरी और जुलाई 2 सेशन हमारे ऐसे होते हैं, चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो या फिर हमारा पीजी का प्रोग्राम हो, सभी के लिए 2 सेशन होता है जनवरी और जुलाई। अभी जैसा कि जुलाई सेशन का एडमिशन साइकिल चल रहा है जिसमें आप सब चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो एलिजिबिलिटी है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको ये पता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंगे तो इग्नू का नेटवर्क है, स्टडी सेंटर है जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए भी आप इग्नू को चुन सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है एडमिशन के रूल्स में, यानी आपके परसेंटेज को हम नहीं देखते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ नहीं बनती है,
जितने भी स्टूडेंट जिनकी एलिजिबिलिटी वो फुलफिल कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कभी ये एडमिशन से आपको दूर या वंचित नहीं रखा जाता है कि आपके परसेंटेज कम आए हैं, 90% नहीं है, 80 नहीं है, 60 नहीं है। सेकेंड डिविजन तक के स्टूडेंट जो है आराम से लेते हैं, अगर सिर्फ पास है, सिंपली पास है तो भी वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी एज का भी कोई बात नहीं होता है, आप 18 साल के बाद किसी भी कार्यक्रम में इग्नू के एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी से मतलब यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आपको हमारी तरफ से कोई भी ऐसा ये सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है कि हम इतने ही दिनों में आपको पढ़ने देंगे, इसके बाद नहीं देंगे। यानी आप अपने समय के अनुसार सुबह शाम दोपहर रात आपको क्लासरूम में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे 10 से 4 का पीरियड हो या 1:30 बजे 2 बजे जैसे क्लासेस लगती हैं नॉर्मली, वो क्लासेस यहाँ पे नहीं होती है। इसके छुट्टी के दिनों में कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, यानी आपके ऊपर ध्यान दिया गया है। जो हमारा फोकस होता है वो स्टूडेंट पे होता है। नेशन वाइड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का नेटवर्क आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे स्टडी सेंटर हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जो स्टूडेंट है हमारे उनके लिए भी स्टडी सेंटर होता है जहाँ पे आपको कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे क्षेत्रीय केंद्र से मैं आपको ये बता रही हूँ, पर जब आप पढ़ाई करेंगे एडमिशन लेंगे तो आपको एक स्टडी सेंटर दिया जाएगा जहाँ जाकर आप एकेडमिक सपोर्ट प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से ये भी आपके एक फायदे की बात है कि आप कहीं भी रहेंगे वहां पे आपको नजदीक में जो आपका स्टडी सेंटर है उसका चुनाव करते हैं। और सारे प्रोग्राम आप दूसरे यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है इग्नू के प्रोग्राम्स में। आप जब खुद ही हमारा वेबसाइट चेक करेंगे या मेरे प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 50% ज्यादा आपको कहीं और पेमेंट करना पड़ेगा सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम के लिए। अभी इसकी एक और सबसे बेहतरीन जो बात है कि आप जब इग्नू में नहीं भी पढ़ते हैं या फिर जब हम सभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो इग्नू के सेल्फ लर्निंग मटेरियल को खरीद के या उसका जेरोक्स कॉपी पढ़ के ही हम लोग कुछ भी अगर ऐसा लगता था डिफिकल्टी हमारे जो टेक्स्ट बुक होती थी उसके साथ पढ़ने के लिए भी ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल हम प्रिंट खरीद के पढ़ते थे। तो अभी सारे स्टूडेंट जो इग्नू में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उनको हमारे स्टडी मटेरियल पे भरोसा ज्यादा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप अगर हमारे स्टूडेंट होते हैं तो भी आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप पढ़ते हैं, और आप पढ़ने के दौरान आपको ऐसा लगेगा भी कि ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है आपके टेक्स्ट बुक से कहीं बेहतर है। अब हम लोग आते हैं स्किल बेस्ड कार्यक्रम जो मात्र 6 महीने में, जैसे कोई स्टूडेंट आप सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जो पढ़ाई आपने की है उसके साथ साथ, या फिर अभी कुछ दिन पहले भी ये तो पहले से था कि एक डिग्री प्रोग्राम के साथ आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी साथ में कर सकते थे। अगर आप फ्री टाइम में है, कहीं आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करने की ठान रखी है या कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हुए मात्र 6 मंथ का ये प्रोग्राम अगर आप करते हैं, ये जो लिस्ट मैं अभी आपको बताऊंगी प्रोग्राम्स का, तो जो आपका फील्ड है आपके लिए जो उपयुक्त है उसका आप चुनाव करेंगे। उसके साथ ही अगर आपको वो बेनिफिट लेना है जो उस प्रोग्राम में आपको सिखाया गया है तो वो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर किसी जगह आप एप्लीकेशन भरते हैं उसमें डिजायरेबल कंडीशन लिखा रहता है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो इसका ये मतलब होता है कि आप कंप्यूटर के स्किल्ड पर्सन हैं, यानी आपको टेक्निकली कंप्यूटर हैंडल करने आता है, आप उतना नॉलेज रखते हैं कि आप कोई भी काम कंप्यूटर पे कर सके। ये एक एग्जांपल था स्किल को समझने के लिए। ऐसे स्किल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो भी एक्टिविटी हम किसी ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं वो सारा स्किल होता है, यानी उसमें आपकी पकड़ होती है प्रैक्टिकली। ऐसा सॉफ्ट स्किल भी होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलता है, वो उसकी बोलने की कला है, यानी वो स्किल्ड पर्सन है। आपको पता होगा कि कुछ लोग बहुत कन्विंसिंग होते हैं, उनको भी बोलते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। उसी तरीके से किसी एक खास जॉब के लिए कोई एक स्किल का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल के फील्ड में जाएं, अगर आपको फर्स्ट एड करनी आती है, फर्स्ट एड सभी को पता है, थोड़ा बहुत हर कोई घर में कर लेता है,
पर अगर सिर्फ डिटॉल लगाना, रुई लगाना, इस तरीके के बैंडेज बांधने के अलावा जो फर्स्ट एड हर तरह की बीमारी के लिए या हर तरह का वो उपचार करने के लिए अगर आपको किसी ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया गया है, तो आप उन सभी वैसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जानते हैं उससे बेहतर होते हैं। इसके लिए ये 6 महीने का जो कार्यक्रम है वो आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, तो हर 6-6 महीने पे ये एडमिशन साइकिल चलती रहती है। एक दो ऐसे कार्यक्रम अपने लिए जरूर चुन लें और उसमें एडमिशन अभी जुलाई से लेके अगला जब हमारा जनवरी सेशन आएगा तब तक कम से कम 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम जरूर कर लीजिए। इसको करने से आपको खुद ही आगे जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आज की ये मीटिंग के दौरान जो जानकारी हमने दी थी वो सचमुच यूजफुल थी आपके लिए। आपको ऐसे सबसे पहले दिख रहा होगा CFE लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। फुल फॉर्म में है ये सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश। अब इस फंक्शनल इंग्लिश में ये सिखाया जाता है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपको ऐसे राइटिंग आती है, हर कोई बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता है। अगर किसी को पटरी लिखने आती है या फिर आपको डे टू डे जो हम बात करते हैं उसमें आपको क्या लिखना पढ़ना चाहिए और कैसे आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब फंक्शनल इंग्लिश के दौरान ही आपको सीखने को मिलता है। ऐसे इंग्लिश का नॉलेज होना और उसके लिए कि आप किसी कार्यालय में काम कर सकें और किसी से अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकें, ये फंक्शनल इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि इंग्लिश में वो अपना कुछ कैरियर बनाना चाहता है, राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहता है, उसके लिए ये प्रोग्राम बेहतर होता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको अपने साथ, अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट को तो हमेशा ही इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करें फिर PG करें फिर आपको इंग्लिश आएगा। उसके लिए छोटे छोटे सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम जो डेवलप किए गए हैं उससे भी आप अपने एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे CBS, ये सारे प्रोग्राम जो फंक्शनल इंग्लिश की है वो तो बहुत पहले से चल रही है, पर CBS देखिएगा, ये बिजनेस स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि हमको कोई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती है, अगर आपको तुरंत से कुछ करना है, बिजनेस करने की स्किल भी होती है। आप खुद ही ऐसा आप देखते होंगे कि कोई बिजनेस करता है तो वो बहुत अच्छा रन कर लेता है, किसी का बिजनेस जो होता है ना वो डूब जाता है या कुछ घाटे में चला जाता है। तो उस स्किल को सीखना बहुत जरूरी है कि आप कैसे किसी बिजनेस को अपने तरीके से उसको करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से उसका जो मुनाफा है उसको आगे उसको बढ़ाने में यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं बिजनेस स्किल। तो इसको मात्र 6 महीने के इस प्रोग्राम को करने के बाद आप अगर सीख सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप CBS करें और कोई छोटा से छोटा अपना व्यवसाय अपने लिए खुद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। दूसरा एक बहुत पुराना प्रोग्राम है CIT, जो कभी हम सभी अपने स्टूडेंट लाइफ में करते थे, आज भी बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। BCA करना, MCA करना, जो सिर्फ इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं उसके लिए जरूर अच्छा है, पर CIT ये सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मात्र 6 महीने में आपको उतनी स्किल सिखा दी जाती है कि आप कोई भी जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, आपको जितना कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए, वो सारा इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में डाला हुआ है। जिसको आप सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कि हमको कोई कंप्यूटर इलिटरेट बोलेगा या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा आप देखेंगे CCITSK, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पर बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, जिसमें IT स्किल यानी कंप्यूटर स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बताया जाता है। यानी ये दो चीजें अगर किसी स्टूडेंट में है तो ये जो हमारा मार्केट का फील्ड है जहाँ पे आप जॉब तलाशते हैं वहां पे इन दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसके साथ में वो IT स्किल होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होगा तो वो बहुत बेहतर कर सकता है। तो आपको ये भी, इस प्रोग्राम के डिटेल के बारे में आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे और इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई अपना फील्ड डिसाइड नहीं किया है और उसको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसके लिए CCITSK बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में खुद को जानना तो जरूरी है ही। सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स
इसके बारे में, यहाँ तक कि आप यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी लॉ के फील्ड के लिए है या किसी मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। हर एक बंदे को ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि ना आपको कोई आपके राइट से आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है, फिर आपको मालूम है तो आप किसी और के साथ में कुछ बुरा होते नहीं देख सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। और जब भी आप कभी किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आप अगर ये डिजायरेबल कंडीशन है तो आपको ही इसके बारे में बताया जाएगा। CFN जो 10th के बाद कोई भी स्टूडेंट, इसको लड़की हो या लड़का हो, ये फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब टाइप की चीजें, या जो हमारा डाइटिशियन का एक कोर्स होता है उसमें अगर थोड़ी कम नॉलेज में भी काम चल सकता है तो वो है CFN। अगर किसी ने इसमें होम साइंस में नहीं कुछ किया है, कोई भी उसकी डिग्री नहीं है, फिर भी अगर वो CFN मात्र किया है ग्रेजुएशन के साथ या इंटरमीडिएट के साथ, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर काम करने के लिए, किसी भी नर्सिंग होम में जाके डाइटिशियन के साथ में उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए उनका एक जॉब लग सकता है। अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड बताया था, CFED उसको ऐसे हम कॉमनली बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा और ये एक नया प्रोग्राम है। इसको करने से भी जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या जो कोई काम कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं पर उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, पर उनको आता है फर्स्ट एड करना, आता है अगर इंजेक्शन लगा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, पर उनका एम्प्लॉयमेंट जो है ना बहुत कम पैसे में वैसे लोगों को लोग रखते हैं। अगर आप डिग्री के साथ जाएंगे तो आपका जो परमानेंट तो आपको पोस्ट देगा ही, साथ ही आपको इतनी वेटेज तो मिलेगी कि आपके आपकी जो सैलरी होगी वो सम्मानजनक हो सकती है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल सकता है। तो CFED प्रोग्राम सारे मेडिकल की तरफ जाने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से आप बहुत जितने भी हम आपके पास अभी लिस्ट लेके आए हैं, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे प्रोग्राम है सर्टिफिकेट के जो सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, पर मैंने उसमें चुनाव करके ही रखा है जो कॉमनली स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी थिएटर आर्ट्स या किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, फिर उसको भी अपने जॉब के लिए आप यूज कर सकते हैं। किसी को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, किसी की संगीत की शैली जो है वो बहुत अच्छी है, पर उनके पास में कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है कि वो जाके कहीं पे जॉब मांगने जाए और ये बता सके कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मेरे पास ये डिग्री है। उन सब के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है हमारा, उसके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के प्रोग्राम्स हैं। आज हम सिर्फ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, उसी तरीके से सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ में थिएटर आर्ट्स होता है, भरतनाट्यम, कर्नाटका शैली की संगीत, वो सारे वो प्रोग्राम्स जो है हमारे वो प्रोस्पेक्टस में लिखे गए हैं, जहाँ जाकर आप ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन से ऐसे हमारे कार्यक्रम है उसको करके आप चाहें तो किसी स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं, अपना कोई संस्था चला सकते हैं, फिर इस डिग्री के साथ ही आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर म्यूजिक में ग्रेजुएशन की भी जो प्रोग्राम हमारी है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमेशा कंप्यूटर सेंटर्स में इसको एक्टिवेट कराया जाता है, CMAD, ये सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर कोई स्टूडेंट जो खुद ही बिना कुछ सीखे ही कुछ कर लेता है और फिर उसको वो उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता या फिर उसके जो ये स्किल है उसका लाभ कोई और उठा लेता है, उसको ये चाहिए कि CMAD, ये ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको कर ले और बेहतर जो एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है उसको सीख के और जॉब हासिल कर सकता है IT के फील्ड में। इस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी हैं CAP, ATHA, अभी मैंने बताया है CFO, ये है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। कोई भी ऑफिस जब तक कि कोई आपके फ्रंट में बैठ के आपके ऑफिस के बारे में, यानी आप जब कभी किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ एक रिसेप्शन होता है जहाँ पे जाने के बाद आपको पूरे ऑफिस का जो ये होता है ना डेकोरम वो आपको पता चल जाता है। तो ये सभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे फेस वैल्यू होते हैं किसी भी ऑफिस के। मीटिंग हो रही है बेटा, थोड़ी देर के बाद है ना, या किसी और रूम में चलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज और ये स्किल जो है ना वो CFO में सिखाया जाता है। ये भी एक नया प्रोग्राम है। आप देख रहे होंगे PGCCL,
ये साइबर लॉ जो अभी साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, तो जो लॉ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या कहीं ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोस्ट पे हैं जो जिनके ऑफिस में ये सारी एक्टिविटीज देखी जाती हैं, तो उनको भी ये करना चाहिए। और खास करके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अगर अपना करियर बनाना है लॉ के फील्ड में, या किसी का असिस्टेंट बनना है, या बहुत छोटी सी ये डिग्री है PGCCL, पर फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आपके कैरियर में। इसके साथ ही आप एक CPY प्रोग्राम है जो योगा से संबंधित है, ये भी 6 महीने में योगा की जितनी नॉलेज एक कॉमन आदमी के साथ साथ आपको अपने लिए और अपने समाज के लिए, घर के लिए, और इसकी आप ट्रेनिंग देने के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो CPI प्रोग्राम कर सकते हैं। एक लंबा लिस्ट है, इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और फिर आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए हमारे ignu.ac.in जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का, उसको आप क्लिक करेंगे और वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलेगी। अगर आप BA चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम टाइप कर ले, सर्टिफिकेट के देखना चाहते हो सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में भी कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके कितने फीस है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी मीडियम क्या है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई मिलेंगी। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज में भी जो कैरियर बनाना चाहते हैं उसको, अगर जर्मन, कोरियन, जापनीज, उर्दू, कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो उनको एक और लैंग्वेज सीखना है, फॉरेन सर्विसेज में जिनको जाना है, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को UPSC, BPSC या कुछ भी ऐसा देना है, फिर भी उनके लिए लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। अगर किसी विदेशी लैंग्वेज के साथ में कहीं आप जाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, अगर किसी और को नहीं है तो उनको छाट दिया जाता है, क्योंकि किसी भी ऑफिस में अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को जानने वाला कर्मचारी होगा तो वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का जिसको सिर्फ एक विषय का नॉलेज है, एक भाषा ही जानता है, तो उसके अपेक्षा आपको ज्यादा वेटेज मिलता है। तो वो भी जितने भी लैंग्वेज के हमारे कार्यक्रम है उसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, बिजनेस स्किल तो मैंने बता दिया है अभी, अब आता है एक डिजास्टर मैनेजमेंट, वो खुद के लिए भी जरूरी है। आपको लगता होगा भी टाइम टू टाइम इतने छोटे छोटे जितने भी छोटे या बड़े कह लें, आप भी अपने कोरोना देखा होगा, ये भी एक डिजास्टर था। आप कभी देखते हैं बिजली गिर जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, किसी को ये पता नहीं होता आपदा कब आने वाली है और कौन सी आपदा को हम कैसे निपटेंगे। तो मात्र 6 महीने का ये प्रोग्राम करने के बाद किसी भी ऑफिस में आज के डेट में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट जानने वाला नहीं है तो सारी सुविधाओं के होने के बावजूद उसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी जब भी कोई एम्प्लॉई आता है इंटरव्यू के लिए, तो एक ऑफिस में अगर आप अपने साथ में कोई एड ऑन डिग्री लेके जाते हैं कि मेरे पास ये भी डिग्री है, तो पहले आपको प्रेफरेंस मिलता है। आप देख रहे होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसको आप करते हैं तो फिर आपको कोई भी, आप खुद के लिए भी और किसी और कंज्यूमर के लिए जो रूल्स होते हैं उसको भी आप ध्यान में रख के तभी किसी डिसीजन पे आप पहुंचते हैं। हेलो, नहीं एक मीटिंग में अभी ऑनलाइन में, थोड़ी आधे घंटे के बाद। आप देख रहे होंगे जो अभी मैंने बताया था कि ऑनलाइन जो जितना भी हमारा प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीजें आपको देखनी पड़ती है। जैसे आप भी अभी देख रहे होंगे फैशन डिजाइनिंग की जो अपने आप में होता है, एक एटीट्यूड होता है इंसान का, खुद से बनना, सजना, संवरना, सिलाई करना या ऐसे ड्रेस डिजाइन कर लेना, जिसको कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है वो भी बहुत अच्छा कर लेता है। पर अगर आपका इंटरेस्ट या आपकी हॉबी उसमें ज्यादा अच्छी है तो आपको ये प्रोग्राम भी करना चाहिए, ताकि आप जो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड है उसमें कम से कम जो एक असिस्टेंट होता है या फिर आप अपने खुद का एक बिजनेस उसमें आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी CFDE जो प्रोग्राम है उसको आप चुन सकते हैं। आप इसकी एलिजिबिलिटी मात्र इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, 10+2 या इक्विवेलेंट है, तो आप इसको ले सकते हैं। इस सेक्टर में काम करना अभी ये फैशन में है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई करके, या आप देख रहे होंगे निफ्ट में भी स्टूडेंट जाते हैं जो ग्रेजुएशन करने की बजाय वो एक टेक्निकल डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन चुन लिया है उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं।
आपकी बीए की पढ़ाई भी चलेगी और आपके साथ ही एक टेक्निकल डिग्री मात्र 6 महीने में आपको मिल सकती है। इसका फी स्ट्रक्चर भी बाकी जैसे आपको निफ्ट में जाके एडमिशन लेने लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, मात्र 5,000 रुपए में आप बिजनेस स्किल के साथ में फैशन डिजाइनिंग सीख लेंगे, तो आप खुद की भी बिजनेस कर सकते हैं और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कहीं भी अगर आपको करियर की तलाश में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है वहां आप अप्लाई करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। बिजनेस स्किल के बारे में हमने बता दिया है, आप 10+2 स्किल एलिजिबिलिटी है और 3,200 रुपए मात्र लगेंगे। और कोई भी एडमिशन जब आप लेते हैं तो पहले आपको 300 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, उसके अलावा ये 3,200 वो प्रोग्राम की फी है इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। सबका मीडियम जो है करीब करीब इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, पर कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, तो वो आप जब डिटेल देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप दोनों माध्यम से पढ़ने में अपने आप को सही पाते हैं तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो इंग्लिश में कन्वीनियंट है जिसके लिए इंग्लिश वो सही ढंग से पढ़ समझ सकते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ मीडियम भी जरूर देखेंगे आप। आप देख रहे हैं सीफेट प्रोग्राम के बारे में भी मैंने बताया था, इसमें 3,500 रुपए प्लस 300 अगर आप पे करते हैं तो ये इतनी अच्छी डिग्री है कि आप कोई भी ऐसा बंदा जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेडिकल फील्ड में रखता है या फिर उनकी दवा की दुकान ही क्यों ना हो, आजकल पास में अगर डॉक्टर नहीं मिलता तो सबसे पहले हम दवाई की दुकान के पास जाते हैं। अगर दवा में कोई बिजनेस करना चाहता है, मेडिसिन शॉप खोलना चाहता है, उसके लिए भी ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको सिर्फ करना यह है कि आप ये फी पेमेंट करके मात्र 6 महीने में ये स्किल हासिल कर सकते हैं जो आपको अभी फिलहाल भी कोई जॉब दिला सकता है और फ्यूचर में भी कोई काम आ सकता है। CCITSK के बारे में मैंने बता दिया है, उसकी भी फी स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत कम है, 5,700 प्लस 300 रुपीज रजिस्ट्रेशन। इसके जो स्किल कोर्सेज हैं उसमें आपको MSW का जितना भी है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सारा चीज आपको सिखाने के साथ ही आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल यानी आप हिंदी और इंग्लिश में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आप अपना जो जो भी राइटिंग स्किल है आपका, आप किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, ये सारी चीजें सीखने के बाद एक परफेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बंदा तैयार होना चाहिए उस तरीके से इसको तैयार कराया जाता है। डिपेंड ये करता है कि आपको पहले ये सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपको करना चाहिए या किस स्किल की आपको जरूरत है, उससे उस पर आप अपना सिलेक्शन कर लीजिए कि कौन सा प्रोग्राम आपको करना चाहिए। अभी सारे प्रोग्राम तो डिस्कस करना इतने कम टाइम में मुश्किल है, पर जहां मैंने बताया था कि आप ignu.ac.in क्लिक करके जाएंगे और वहां जाने पर सारे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम को आप देखिए और देखने के बाद समझने के बाद जरूर से ये जुलाई सेशन में आप एडमिशन ले लीजिए। अभी ये साइकिल चल रहा है पर ये जुलाई के लास्ट में ये खत्म हो जाएगा, यानी आपको 31 जुलाई तक ये एडमिशन साइकिल है, इसके बाद शायद इसकी डेट भी ना बढ़े, इसलिए आप सबसे पहले तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है, यानी 6 महीने का है तो ये तुरंत से इसको बंद करके किताबें मिलनी शुरू हो जाती है और इसके असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं सबको, तो इसका डेट एक्सटेंड नहीं होता है। आप ये सारे प्रोग्राम इसके साथ ही आप CLIS एक प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई में थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए अगर किसी लाइब्रेरी में आप काम करना चाहते हैं। आपको ये पता होगा जितना भी इंस्टीट्यूशन आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि अस्पताल में भी लाइब्रेरी होता है, तो हर जगह की लाइब्रेरी के लिए एक ऐसा स्किल्ड पर्सन चाहिए जो लाइब्रेरी को सही ढंग से संभाल सके, उनकी किताबों को सजा के रख सके और टाइम पर जब भी कोई असिस्टेंस की जरूरत हो तो वो जो स्टाफ है वो हेल्प कर सके। तो इस तरीके की डिग्री आमतौर पे किसी के पास होती नहीं है, लाइब्रेरी बस होता है और वहां पे पेपर वर्क करने के लिए या कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए जो लाइब्रेरी के से रिलेटेड हो, ये सारे एजुकेशन प्राप्त कोई भी जो इम्प्लॉई होता है वहां पे नहीं होता है। तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल सकता है कि आप जब कभी कहीं जाएं तो CLIS की डिग्री के साथ जाएंगे तो आप जरूरत पड़ने पर इसको भी बता सकते हैं कि मेरे हम स्किल्ड पर्सन है, हम लाइब्रेरी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर मात्र 3,000 रुपए है, 10+2 अगर आप पास हैं तो आप CLIS भी कर सकते हैं।
एडमिशन के लिंक लिख रखे हैं हमने, जो आप वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे, दो तरह के लिंक है वहां पे। एक हमारा ODL प्रोग्राम का एडमिशन लिंक है और दूसरा है ऑनलाइन का। यानी यूनिवर्सिटी दो तरह के एडमिशन ले रही है। एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सारी एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन करनी होती है, उसमें आप एडमिशन के साथ साथ रिजल्ट तक वो कुछ भी, आपको कहीं कोई स्टडी सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको हर एक्टिविटी कंप्यूटर इंटरनेट के सहारे से ही करना पड़ेगा। पर जो ODL माध्यम है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें एडमिशन लेने के लिए एक लिंक है जो ignuadmission.samarth.a2.in है, और ऑनलाइन वाले प्रोग्राम के लिए ignuiop.samarth.edu.in है। इस दोनों में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखते हुए आप पहले एडमिशन लिंक को क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आप जिस प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं दोबारा लॉगिन करके अपने डिटेल्स भरेंगे और अपने वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उनको अपलोड करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट, जैसे एडमिशन के डेट क्या है, कब कौन सी एक्टिविटी होनी है, ये सब ignu.rc पटना का जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे डाले होते हैं, उनके ये लिंक्स हैं। आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आज की मीटिंग हो सकती है कि उस यूट्यूब पे डाल दी जाए उसकी वीडियो, तो आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं। और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हर दिन जो अपडेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो हम इस पे शेयर करते रहते हैं, इसलिए भी आप उस पे जा सकते हैं और हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं। अभी इन सब बातों के अलावा, अगर आप एडमिशन लेने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जान चुके हैं, पर जिनको एक साल का प्रोग्राम करना है, वो डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में हम फिर से, अगर कोई एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो उस दौरान हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और वो ज्यादा, इससे जरूर ज्यादा होता है, कहीं भी आप डिप्लोमा के साथ जाएंगे तो आप सर्टिफिकेट वालों से ज्यादा बेहतर होंगे, तो उसी तरीके से आपको वेटेज भी दिया जाता है। मैं समझती हूँ मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें आपको बता के वो सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर दिए हैं। जिस किसी को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के बारे में कुछ और जानना है, या कुछ ऐसा फील्ड जहां आप सोचते हो हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं।